है तो छोड़ देंगे भाई, नहीं पकड़ेंगे। आज तो साला छोड़ेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नए ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों ब्लॉग को शुरू करते हैं। सुबह नहा धो के तैयार हो गया हूँ और अब निकलेंगे यहाँ से अपनी रोजी रोटी पे। और इधर देखो मानसिर यहाँ चाय और नाश्ता कर रहे हैं। ये लोग का डेली का यही टाइम है चाय नाश्ता करने का। हेलो मानसिर। हेलो यहाँ, कैसे हो? तेरा एग्जाम किसका चालू था अभी? तेरा ना चालू है अभी तो, आज मैथ्स और कल रिवीजन, उसके बाद खत्म। बस तेरा बाकी एग्जाम यहाँ का चालू, उसका तेरा भी एग्जाम चालू यहाँ। बाप, इसके बाद इन लोग को 2 महीना फुल मजा है। 2 महीना छुट्टी रहेगा। क्या करोगे 2 महीना तुम लोग? नानी के घर जाओगे? कहाँ कहाँ घूमने जाओगे? दादा के घर जाएगा। अरे यार, ये दादा के घर जाएगा बोलता है यहाँ है? पैसा ही तो नहीं है घर जाने के लिए यहाँ, नहीं तो जाते घर। चल इधर इधर कहीं कहीं घुमाएंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे। और इधर है हमारी कविता जी। कविता जी, हमारे टिफिन पैक हो गया है। क्या सब्जी बनाए हो यार आज? मिक्सेस है आलू, मिक्स सब्जी है। सुनो ना, इसमें थोड़ा कुछ कुछ ककड़ी बोले थे, देखो ला के रखा हुआ, नहीं डालते यार। गजब आदमी यार सही में। हम लोग खाते हैं रोज। तुम लोग खाते हो? मेरा टिफिन में डाल दिया करो। नहीं, सूखा सूखा खाता हूँ रोज, कुछ और कुछ कुछ डाल दिया करो। रोज रोज खाली, रोज रोज खाली रोटी और सब्जी डालते टिफिन में। हाँ रसमलाई डालो। तो चलो दोस्तों अभी यहाँ से निकलते हैं। ये रेडी हो जाए एक बार, इनके इंतजार कर रहा हूँ भाई। जल्दी करो मानसी, मेरा लेट हो जाएगा बेटा। चलो तो अभी निकले हैं स्टेशन के लिए। और अभी रोड की स्थिति देख सकते हो, ये संडे बाज़ार यहाँ पे लगता है। और ये पूरा रोड अभी वैसे के वैसे पड़ा है और पूरा धूल मिट्टी उड़ते रहता है भाई। कब सही होगा पता नहीं, पूरी हालत ख़राब है अभी। तो चलो अभी अपने को स्टेशन जाना है। तो छोड़ देंगे भाई, नहीं पकड़ेंगे। आज तो साला छोड़ेगा नहीं। तो अभी पहुंचा हूं मलाड़ में। जैसे ही आया गाड़ी देख के फटाफट भागना पड़ा। तो अभी मलाड़ पहुंचे। अरे देखो ऑफिस की 2 गाड़ियां इधर खड़ी है, एक BMW और एक अपना वो ऑडी। 2 गाड़ी खड़ी है इधर। तो अभी इधर खाना पीना खा लिए हैं। और धूप देखो, धूप कितना तगड़ा है। और ये पेड़ की छांव भाई, इसके लिए बोलते हैं हमेशा पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके छांव में रहने का मज़ा कुछ अलग है। और धूप देख सकते हो कितना कड़क है। तो चलो अब देखते हैं इधर से कब निकलना होता है यहाँ से। नहीं, इधर दोनों गाड़ी खड़ी है। और ये बिल्डिंग देखो, ये देखो पूरा मुंडी घुमाना पड़ रहा है ऊपर का, तब जाके ये बिल्डिंग दिख रही है। अरे देखते देखते लग रहा है साला कपारे पे गिर जाएगा। तो दोस्तों अभी आ गया हूँ ऑफिस के इधर। और अभी अब इधर ही शायद कहीं जाना नहीं होगा, इधर ही रुकना होगा। और शाम को आज होगा इफ्तार की पार्टी, यानी कि अभी जो रमज़ान चल रहा है तो ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोमेडियन हैं, तो उनके लिए पूरा महीना ऑफिस में पार्टी चलता है। मतलब एक दूसरे को देते हैं, जैसे समझो 30-40 लोग हैं, तो जो बड़े बड़े ऑफिस में क्रिएटर हैं, जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, जो काम करते हैं, तो वो सब लोग एक एक दिन पार्टी देते हैं जिसकी इच्छा होती है वो। अब कैसा सिस्टम है मुझे पता नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, लेकिन पूरा महीना इधर चलता है पार्टी। तो आज कैंटीन वालों की तरफ से है, जो कैंटीन चलाते हैं उनके तरफ से आज पार्टी है। तो आज वहाँ पे पार्टी में आज शाम को रहेंगे। तो देखते हैं क्या क्या बनेगा और क्या क्या आज रहेगा खाने में। तो अभी शायद कहीं नहीं जाना होगा, अगर कहीं जाना होगा तब तो मैं रहूँगा नहीं, चला जाऊँगा। और रहा तो जो भी चीज़ें वहाँ बनेगा और जो इफ्तार पार्टी होगी वो मैं ज़रूर आप लोगों को ब्लॉग में कवर करके दिखाऊँगा। पूरा है
दोस्तों आज इत्तिहार की जो पार्टी है, जो इत्तिहार रोज़ा जो रखते हैं तो रोज़ा खोलना होता है शाम को, तो आज कैंटिंग वाले भाई के तरफ से है। और ये सारे फ्रूट्स फल और भी वेज नॉन वेज सारे आइटम्स हैं, तो ये टेबल पे सजाया हुआ है। और जैसे टाइम होगा सारे लोग आएंगे और इत्तिहार की पार्टी शुरू होगी। इधर है फालूदा और काफ़ी आइटम इसमें डाले गए हैं और नेचुरल है। फालूदा के मास्टर हैं संतोष भाई जो बना रहे हैं। डाल 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 दोस्तों, आज का जो पार्टी था ऑफिस में इफ्तार का, वो बहुत बढ़िया रहा। जो रोज़ा खोलने के लिए रखते हैं लेकिन मालूम नहीं पड़ता है कि कौन क्या है, सब मिलजुल के एकदम भाई के जैसा रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो अभी छुट्टी हुआ नहीं है, अभी कहीं और जा रहे हैं और कितना बजे छुट्टी होगा पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि आज लेट होगा या तो घर भी नहीं जा सकता हूँ। दोनों में से कोई ना कोई बात है। अगर घर गया तो बहुत लेट होने वाला है और ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर इधर ही सोना पड़ेगा आज। तो देखते हैं कितना बजे अभी छुट्टी होता है। अभी कहीं जा रहे हैं ड्रॉप करने के लिए, नहीं ड्रॉप नहीं पिकअप करने के लिए। और पिकअप करने के लिए जा रहे हैं तो टाइम लगेगा, तुरंत से छुट्टी नहीं होने वाली वहाँ से, क्योंकि जहाँ जा रहा हूँ एक डेढ़ घंटा लगेगा वहाँ पे। तो चलो अभी कितना टाइम हुआ है, अभी 10:25 हो गया। अभी 10:25 हो गया, यानी कि 10:30 है। अगर छुट्टी भी होगा तो लगभग एक तो पक्का बजने वाला है, एक कंफर्म है। और 1 बजे आ गया तब तो घर चला जाऊँगा, ट्रेन मिल जाएगा। अगर 1 बजे नहीं आया तो फिर इधर ही सोना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना बजे छुट्टी होता है। फिलहाल अभी जहाँ जाना है लोकेशन आया है, लोकेशन पे पहुँचते हैं। भाई चालू हो गया, भाई चालू हो गया, नहीं तो देखो साइलेंस बजा रहा है एम्बुलेंस वाला, लेकिन जाने का जगह नहीं है बताओ, जबकि सिग्नल भी है अपना, इतना ट्रैफिक है, सुन सकते हो। देखो एम्बुलेंस बज रहा है, एम्बुलेंस भाई एम्बुलेंस बज रहा है, लेकिन रात को भी ट्रैफिक है, जाने का जगह नहीं है। आप देख सकते हो रात को भी ट्रैफिक है, जाने के लिए जगह नहीं है बताओ। अभी बज रहा है 2 और अभी तक इधर ही है साथ में रमेश भाई। आज हम दोनों को घर नहीं जाने को मिलेगा, सोने का ही। ये देखो कितना बज गया है, 1:50। तो अभी ट्रेन तो गई तो अभी इधर ही सोना है आज, गाड़ी में ही जैसे तैसे दिन निकालना है, रात निकालना है, दिन पे निकल गया, कल वापस डिप्टी पे, अभी दिन ही चालू हुआ ना दूसरा दिन। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।